हेलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम टू डीके इंग्लिश पाठशाला। देखिए, आज से हम फिगर्स ऑफ स्पीच यानी जिन्हें पोएटिक डिवाइसेस भी कहते हैं, उनकी एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें लगातार एक के बाद एक कुल मिला के 6 वीडियोस पब्लिश होंगे यूट्यूब चैनल पर। और इसमें लगभग हम 30 पोएटिक डिवाइसेस अलग अलग एग्जाम्पल्स के साथ में कवर करेंगे, जिसमें आपको पूरी तरह से हिंदी में एक्सप्लेनेशन मिलेगी। स्क्रीन पर जैसा आप देख सकते हैं, सबसे पहला पोएटिक डिवाइस जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है सिमिली। इसको सिमिली बोलते हैं। सिमिली एक पोएटिक डिवाइस है। इसका क्या मतलब होता है? कंपेयर्स वन थिंग टू अनदर, जिसमें एक चीज़ को दूसरे चीज़ से कंपेयर किया जाता है। अब वो जो दूसरी चीज़ होती है वो अलग प्रकार की होती है, लेकिन फिर भी एक तरीके से जो पहली चीज़ होती है उस जैसी ही सेम होती है। तो क्या मतलब निकला इसका? इसका मतलब ये होता है, जहाँ पर एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कंपेयर किया जाता है, दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं लेकिन फिर भी दोनों चीज़ों में कुछ ना कुछ समानता होती है, तो उसे जिस तरह से उस कंपैरिजन को ही हम सिमिली कहते हैं। ठीक है, जैसे इसमें कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। वैन पेल एज अ लेट मिंटर्स मून, ये माई मदर एट 66 क्लास 12th के सिलेबस में एक पोएम है, उसमें से ये लाइनें एक्सट्रैक्ट की गई हैं। इसमें एक लेडी के बारे में बात की गई है जो पोएट की मदर है, और उसके फेस की तुलना लेट विंटर्स मून के साथ में की गई है। अब आप देखेंगे तो फेस और मून का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी उनमें यहाँ पर समानता क्रिएट करने की कोशिश की गई है। सिमिलरिटी क्या है कि जैसे लेट विंटर्स मून फेडेड होता है, पेल होता है, उसी प्रकार से मदर का फेस भी पेल हो चुका है। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स, ये भी आपकी क्लास 12th की जो पोएम है माई मदर एट 66, उसी में से एग्जाम्पल ये लिया गया है। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स, इसमें जो फेस है मदर का फेस वो बिल्कुल डेड बॉडी के फेस जैसा हो चुका है। ये कॉप्स का जो मतलब होता है वो होता है डेड बॉडी। तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ों को कंपेयर किया गया है, किस किस को? फेस को और कॉप्स को। दिस वर्ल्ड इज़ लाइक अ रैट ट्रैप, ये एक तीसरा एग्जाम्पल है। इसमें वर्ल्ड को कंपेयर किया गया है किसके साथ में? रैट ट्रैप के साथ में। तो ही फॉट लाइक ए किंग, ही फॉट लाइक ए किंग, इसमें ही और किंग को कंपेरिजन किया गया है। तो सिमिली में क्या होता है? एक चीज़ का दूसरे चीज़ से कंपैरिजन, जो काफ़ी अलग अलग दिखती हैं लेकिन फिर भी एक जैसी होती हैं। तो इसके और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल बनाएं, जैसे शी इज एज थिन एज अ पेपर। जैसे अब इसमें देखें, शी की जो कंपैरिजन है वो किया गया है पेपर के साथ में। और जैसे ही इज एज फैट फैट एज अ मैंगो, ये एक और एग्जाम्पल हो सकता है जिसमें ही को मैंगो से कंपेयर किया गया है। अभी आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, मेटाफर। देखिए, सिमिली भी कंपैरिजन होता है, मेटाफर भी कंपैरिजन होता है, लेकिन सिमिली में क्या होता है? आप देख रहे हैं ये लाइक और एज का यूज़ होता है। जैसे ये एज का यूज़ किया गया है, ये भी लाइक का यूज़ किया गया, यहाँ भी लाइक का यूज़ किया गया, यहाँ भी लाइक का यूज़ किया गया। तो सिमिली में भी कंपैरिजन होता है, मेटाफर में भी कंपैरिजन होता है, लेकिन मेटाफर में जो कंपैरिजन होता है उसमें लाइक और एज का यूज़ नहीं किया जाता है। तो आप मेटाफर का देखिए, वर्ड और फ्रेज फॉर वन थिंग दैट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ अनदर थिंग इन ऑर्डर टू शो और सजेस्ट दैट दे आर सिमिलर, यानी एक चीज़ की जगह दूसरी चीज़ का यूज़ करना ये बताने के लिए कि दोनों चीज़ें कुछ तरीके से समान हैं, लेकिन इसमें लाइक और एज का यूज़ नहीं किया जाता। तो आप इतना समझ सकते हैं कि इसमें लाइक और एज का यूज़ नहीं होता है, और उसमें सिमिली में लाइक और एज का यूज़ होता है। जैसे लाइफ इज़ ए बिग रोलर कोस्टर राइड, इसमें लाइफ को एक बिग रोलर कोस्टर राइड कह दिया गया है। इस तरह की आपने और भी चीज़ें सुनी होगी, जैसे लाइफ इज़ एन आइसक्रीम, एन्जॉय बिफोर इट मेल्ट्स। तो अब इसमें लाइफ को सीधा क्या कह दिया गया है? आइसक्रीम कह दिया गया है। जैसे किसी बच्चे के लिए बोलना, किसी व्यक्ति के लिए बोलना कि ही इज़ मोहम्मद अली ऑफ आवर स्ट्रीट, वो हमारी गली का मोहम्मद अली है, तो उसमें ही को मोहम्मद अली यानी जो फेमस बॉक्सर हैं उनसे कंपैरिजन किया गया, लेकिन लाइक और एज का यूज़ नहीं किया गया। गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड, ये क्लास 12th की एक लेसन है लॉस्ट स्प्रिंग, उसमें से उठाया गया है। गार्बेज को कचरा बता, जो कचरा है जो उस कचरे को सोना बताया गया है, तो कचरे को डायरेक्ट सोना कह देना ये भी एक मेटाफर है। ही इज़ द बिग फिश, किसी व्यक्ति को बिग फिश बोला जा रहा है, तो ये भी आपका एक मेटाफर है। तो मेटाफर और सिमिली में आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। सिमिली में भी कंपैरिजन लाइक और एज के साथ में, और मेटाफर में कंपैरिजन बिना लाइक और एज के यूज होता है। अब चलिए थर्ड में चलते हैं, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन को फटाफट देख लेते हैं। रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स स्पेशली एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स, ये ध्यान रखना है कि
वर्ड्स के शुरुआत में जो साउंड दी हुई होती है उस साउंड का जो रेपिटेशन यानी रिवीजन होता है, बार बार वही चीज आती है, उसे हम कहते हैं एलिट्रेशन। जो उसका रिपीटेशन होता है उसी को एलिट्रेशन कहते हैं। एक तो क्या दो चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट हैं, एक तो वो कॉन्सोनेंट साउंड होनी चाहिए, लेटर से मतलब नहीं है, साउंड कॉन्सोनेंट वाली होनी चाहिए, और दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो बिगिनिंग में दिया हुआ होना। जैसे डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, ये डी और ये डी, इन तीनों को देखिए आप, ये तीनों जो साउंड्स हैं ये डी डी साउंड आ रही है जो कि कॉन्सोनेंट साउंड है, वर्ड के बिगिनिंग में दी हुई है, इसलिए ये एलिट्रेशन है। इसमें भी आप देखिए, द सी वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, ये टोज लिखा है लेकिन फीट होना चाहिए, ये एक पोएम है क्लास 11th में, अ फोटोग्राफ उसमें से लिया गया है, टेरिबली ट्रांजिएंट। तो ये टी टी जो साउंड है इसमें भी बिगिनिंग में टी साउंड दी हुई है, इसमें भी बिगिनिंग में टी साउंड दी हुई है, तो इन दोनों का जो रिपीटिशन है उसे ही हम एलिट्रेशन कहेंगे। लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि ये वाली जो टी साउंड है ये एलिट्रेशन में नहीं आ रही है, क्योंकि इसको हम टी प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं देयर, तो ये द प्रोनाउंस हो रहा है, इसलिए ये एलिट्रेशन का एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन ये दोनों की दोनों जो वर्ड्स हैं यहाँ पर एलिट्रेशन है। ही सॉ अ स्पाइडर एंड स्नेक ऑन द शेल्फ। अब इसमें भी ये एस साउंड, ये एस साउंड और आपके ये एस साउंड, ये एलिट्रेशन क्रिएट कर रही है, लेकिन ये एस एच साउंड जो है ये एलिट्रेशन नहीं क्रिएट कर रही है, क्योंकि इसमें श की साउंड आ रही है। तो होपफुली आपको ये एलिट्रेशन भी क्लियर हो गया होगा। तो आप ये ध्यान रखिए कि एलिट्रेशन के लिए क्या शर्तें हैं, एक तो ये कॉन्सोनेंट साउंड होनी चाहिए नंबर एक चीज़ तो ये, और नंबर टू बिगिनिंग में आनी चाहिए। अब चलते हैं रेपिटेशन की तरफ। कुछ बच्चों को लगता है कि रिपीटेशन और एलिट्रेशन एक जैसी बात है, ऐसा नहीं है, रिपीटेशन बिल्कुल अलग होता है और एलिट्रेशन बिल्कुल अलग होता है। एलिट्रेशन जो होता है एक साउंड का रिवीजन है, एक साउंड का रिपीटेशन है, जबकि रिपीटेड जो रिपीटेशन होता है वो रिपीटेशन वर्ड्स का या वर्ड पैटर्न्स का जो रिपीटेशन होता है, बार बार आना होता है वर्ड्स और वर्ड्स पैटर्न का, उसे हम रिपीटेशन कहते हैं। जैसे ऑल सी डिड वाज स्माइल स्माइल स्माइल। अब ये स्माइल स्माइल एंड स्माइल, ये आपका चूंकि वर्ड रिपीट हो रहा है बार बार, इसलिए ये रिपीटेशन कहलाएगा। ब्रेक ओ ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन। अब इसमें ब्रेक 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 ये तीन बार रिपीट हुआ है, इसलिए ये रिपीटेशन का एग्जाम्पल है। आई फील हैप्पी टू सी हैप्पी पीपल मेक्स अदर हैप्पी, हैप्पी हैप्पी हैप्पी, सो दिस हैप्पी 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 क्रिएट्स रिपीटेशन। तो बहुत सिंपल है ये तो पढ़ने में। परसोनिफिकेशन में चलते हैं। पर्सोनिफिकेशन क्या है? द प्रैक्टिस ऑफ रिप्रेजेंटिंग एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट और एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया एज ए पर्सन एंड एंडोइंग इट विथ ह्यूमन ट्रेट्स। यानी किसी निर्जीव वस्तु को या किसी विचार को किसी पर्सन के रूप में पेश करना, किसी जिंदा इंसान के रूप में पेश करना और उसे ह्यूमन ट्रेट्स के साथ में प्रस्तुत करना, दैट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन, है ना। कैसे, जैसे सन, इस एग्जाम्पल को देखने से भी पहले यहाँ देखिए, द ट्रीज वर फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। अब इसको अगर आप देखेंगे, ट्रीज ट्रीज जो है, अब वो अगर देखा जाए तो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट ही होते हैं, क्योंकि वो अपनी जगह पर स्थिर खड़े रहते हैं, है ना। वैसे तो साइंस में उनको अलाइव माना जाता है, लेकिन वैसे जो है एक तरह से वो हमारे लिए इनएनिमेट ऑब्जेक्ट ही है। तो फ्लटरिंग एंड डांसिंग, अब इनके साथ में फ्लटरिंग और डांसिंग, ये ह्यूमन ट्रेट्स हैं जो इनके साथ में जोड़ दिए गए हैं, तो इसको हम बोलेंगे पर्सोनिफिकेशन। आई हर्ड माई हार्ट क्राई एट नाइट। अब हार्ट वैसे तो धड़कता है लेकिन वो इनएनिमेट है, यानी उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो सकता। इनएनिमेट का मतलब जिसमें मूवमेंट नहीं हो सकता, लेकिन वो पाउंड तो करता ही है, लेकिन फिर भी अगर उसको हम इनएनिमेट ऑब्जेक्ट मानते हैं तो वो क्राई, इट्स क्राइंग। तो ये क्राइंग जो एक ऐसा शब्द है जो ह्यूमन क्वालिटी को एसोसिएट करता है, तो इसलिए माई हार्ट इज़ क्राइंग, है ना, माई हार्ट इज़ क्राइंग, माई माइंड इज़ स्लीपिंग। तो ये इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं ये पर्सोनिफिकेशन की तरफ इशारा करते हैं। जैसे आपने एक पोएम माई मदर एट 66 में भी देखा होगा, द ट्रीज अपियर रनिंग बिहाइंड, यानी ट्रीज ऐसा लग रहा है जैसे पीछे की तरफ भाग रहे हैं। अब ट्रीज तो इनएनिमेट है, उनमें कोई एक्शन नहीं है, उसमें कोई एनिमेशन नहीं है, लेकिन वो ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे वो पीछे की तरफ भाग रहे हैं। द सन स्ट्रेच्ड इट्स गोल्डन आर्म्स, सन ने अपनी गोल्डन आर्म्स फैलाई एंड ग्रीटेड एवरी वन विथ हिज काइंड स्माइल, और सबका स्वागत किया अपनी काइंड स्माइल के हक में। अब सन हम इसे इनएनिमेट मानते हैं, लेकिन उसने अपनी गोल्डन आर्म्स यानी ह्यूमन ट्रेट्स दिए हैं, इसे हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। तो ह्यूमन ट्रेट्स दिए कैसे जाते हैं? ह्यूमन ट्रेट्स दिए जाते हैं उसके साथ में कुछ ह्यूमन एक्शन को एसोसिएट किया जाता है।
या फिर ह्यूमन पार्ट्स के रूप में उसको दिखाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये पर्सोनिफिकेशन का एग्जांपल हो गया। तो बाकी जो पोएटिक डिवाइसेस, अगले 5 पोएटिक डिवाइसेस हैं, वो आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू, हैव अ नाइस।